हेलो एंड वेलकम अगेन दोस्तों, बहुत जल्दी रिव्यू देने वाला हूँ। जस्ट इंटरवल हुआ है, मूतने भी नहीं गया। पहले आपको बताने आया हूँ फर्स्ट हाफ कैसा है, मतलब अमेजिंग, मैं कहूँगा ऑसम है दोस्तों। आग लगा दी बाय गॉड, ऐसा हर कहने फाड़ के रख दिया फर्स्ट हाफ में। मतलब जो स्टार्टिंग है लगभग 15 मिनट की, भाई ऐसा लग रहा था ये लास्ट का क्लाइमैक्स सीन चल रहा है। शुरू में ही इतना ज़बरदस्त सीन दिखाया, मतलब पूरी मूवी देखने की वजह दे दी, जम के बैठने की वजह दे दी। बहुत इंगेजिंग मूवी है, अमेजिंग राइटिंग, अमेजिंग कॉन्टेंट। इतना डिटेलिंग में खैर अभी बात हो पाएगी, डिटेलिंग में आफ्टर सेकंड हाफ इत्मीनान से जब मैं देखूंगा उसके बाद बात करेंगे। लेकिन अभी के लिए जान लो कि फर्स्ट हाफ में ही इतना जबरदस्त एक्शन मिलेगा, फिर सम टाइम आपको कॉमेडी भी मिलेगी, फिर सम टाइम आपको लव रोमांस, क्योंकि किंग खान है तो लव रोमांस कैसे छूट सकता है। मतलब गजब यार, अमेजिंग। मैं सेकंड हाफ के लिए इतना ज्यादा एक्साइटेड हूं, बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूं। दूसरा, फर्स्ट हाफ में ऑलमोस्ट सारे कैरेक्टर्स दिखा दिए हैं, मुझे नहीं लगता कि सेकंड हाफ में अब कुछ नया है कैरेक्टर्स के मामले में। अब बस कहानी को आगे बढ़ाया जाएगा और कैसे एंगेजिंग होगी कहानी, बहुत दमदार देखना, बहुत दमदार सिनेरियो मतलब जनरेट कर दिया यहाँ पर। दो सॉन्ग अभी तक आ चुके हैं, जिंदा बंदा सॉन्ग और चलिया सॉन्ग, सॉन्ग्स को बिल्कुल सही फिट कर रखा है, मतलब वो मोमेंट जनरेट कर रखा है कि हाँ अब गाना आना चाहिए और आया। भाई साहब अभी तक जितना भी देखा एक चीज सॉलिड क्लियर लगी, डायरेक्शन आर अमेजिंग। अटली कुमार ने निचोड़ लिया है एसआरके को, शाहरुख खान को निचोड़ लिया भाई साहब, क्योंकि हर कैरेक्टर्स में एसआरके नया है, बुढ़ा है तो बुढ़े जैसा, यंग है तो यंग जैसा, मूंछ वाला है तो उसका अलग एटीट्यूड, रुतबा अलग, बॉल्ड है तो अलग साइकोपैथ, मतलब सारे एसआरके ने फाड़ के रख दिया। वहीं इसे किंग खान नहीं कहते, वाकई में एक्टिंग का बाप है ये बंदा। किसी भी कैरेक्टर का रोल प्ले लाते वक्त ऐसा नहीं लगा कि कुछ कमी या ओवर कर रहा है, बिल्कुल नहीं, सब कुछ अमेजिंग है। पूरी एंगेजिंग मूवी है, बहुत मज़ा आने वाला है आपको डेफिनेटली। फर्स्ट हाफ में ही इतना ज़बरदस्त मज़ा आ रहा है मुझको, बाय गॉड कि सेकंड हाफ में और क्या क्या मिलने वाला है। मैं बिल्कुल बहुत एक्साइटमेंट हूँ, कुछ भी इमेजिन नहीं हो रहा है कि सेकंड हाफ में क्या होने वाला है, क्योंकि मोड़ ऐसे पहुँच चुका है, ट्विस्टर ऐसे पहुँच चुका है। इंटरवल में इतना ज़बरदस्त सीन है, इतना ज़बरदस्त मोमेंट है, वो मैं रिवील नहीं करूँगा। बहुत सी ऐसी ज़बरदस्त चीज़ें हैं, मैं रिवील नहीं करना चाहता, बल इतना ही कहना चाहता हूँ कि मूवी ज़बरदस्त है डेफिनेटली। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फुल जवान मूवी रिव्यू के साथ। तब तक के लिए ये बताओ कि जो बोल्ड वाला एसआरके है वो क्या असली विलेन है या विजय सेतुपति असली विलेन है? फटाफट नीचे कमेंट बॉक्स पर जरूर बता के जाना कि कौन असली विलेन है। बाकी मूवी रिव्यू और बॉक्स ऑफिस से जुड़ी सभी अपडेट्स के लिए हमारे साथ ऐसे जुड़े रहना। जय हिंद।